एक दवाई नेरुरीमन मैंने कहा था आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अहम दवा है ये, गोनोरिया या सुजाक के जहर से बनती है। इसका तलफ़ यहाँ मेडोराइनम बयान किया जाता है, हम गलती से मेडोरिनम पढ़ते रहे हैं। मैंने डिक्शनरी में हर किस्म की डिक्शनरी में चेक किया, वहाँ लफ्ज़ मौजूद ही नहीं, इसलिए सही तलफ़ मैं नहीं पता। जो यहाँ अंग्रेज प्रोफेसर पढ़ाते हैं वही ठीक है, मेडोराइनम कहते हैं सब, ठीक है। इसमें सबसे अहम बात है इनहेरिटेड कंप्लेंट्स। मेडोराइनम और सिफिलिनम, ये दो दवाएं हैं जो इनहेरिटेड कंप्लेंट्स में चोटी की दवाएं हैं। अगर आप ये ना इस्तेमाल कराएं, और बसाओ खास इंसान के जहन में आता ही नहीं, तो बहुत सी बीमारियां मुस्तकिल तौर पे पकड़ लेती हैं, और इन्हें बच्चों को या बड़ों को भी आप देते हैं, कोई दवा फ़ायदा हो जाता है, फिर वही पीछा नहीं छोड़ती। बाज़ डॉक्टर्स का, जो अच्छे काबिल हैं उनमें शामिल, उनका ये ख्याल है कि क्योंकि हमारी तारीख में सिफिलिस और सुजाक ने बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं सोसाइटी में, इसलिए ज़रूरी नहीं हुआ करता कि किसी को खुद हो, माँ बाप आगे नाना दादा परदादे में से किसी को एक दफ़ा हो जाए तो, चूंकि उस ज़माने में उसको होम्योपैथिकली बाहर लाकर उसका इलाज नहीं किया जाता था, बल्कि दबाने वाली दवाएं होती थीं, मसलन एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, एक ज़माने में MB-693 बड़ी मशहूर हुई हुई थी, बहुत पुरानी बातें हैं। और उस ज़माने में आम डॉक्टर हर मरीज को, जिसको ज़रा भी शक हो, जलन हो, पेशाब में, MB-693 और इस तरह इलाज किया करते थे। तो सिफिलिस का इलाज पहले कुछ बहुत मुश्किल समझा जाता था, मरकरी से किया करते थे, मरक्यूरस कंपाउंड से, लेकिन अब अगर एक महीना मुसलसल पेनिसिलिन दें रोज़ाना, तो कहते हैं वो सिफिलिस रूट आउट हो जाता है। लेकिन रूट आउट होता है या बाकी रहता है, इसके अंदर होम्योपैथ कहते थे कि नहीं बाकी रह जाता है, मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर जाता है, और अगर मुनासिब साजगार इसको हालात मैसर आए तो फिर ज़रूर सर निकालेगा। ये जो बहस थी, इसका हल अभी एड्स की तहकीक के दौरान हुआ है। एड्स पर अमेरिका में बहुत रिसर्च हुई, और उस रिसर्च के दौरान ये बात सामने आई कि बहुत से एड्स के मरीजों को सिफिलिस भी हो गया, हालांकि सिफिलिस के कोई आसार उससे पहले मौजूद नहीं थे, बल्कि अपनी सोसाइटी से ये बिल्कुल अपनी तरफ से उसको ख़त्म कर बैठे थे। फिर उनके जो जिनके वालदैन जिंदा थे उनकी हिस्ट्री ली, और वो औरतें जिनके साथ ताल्लुकात थे उनकी तारीख ली, सिफिलिस नहीं था, लेकिन एड्स हुई है तो सिफिलिस भी हो गया। और उस पर अब ये उन मुहक्किकीन की मुत्तफ़िका राय है कि सिफिलिस के मुतल्लिक जो हमारा ख्याल था कि ये पीछा छोड़ देते हमेशा के लिए, ये गलत है, ये किसी न किसी हैसियत से एक कमज़ोरी की सूरत में जिस्म के अंदर रहता है, और बावजूद इसके कि दोबारा सिफिलिस के जरासीम अमल ना करें, अंदर दबे हुए कहीं बैठे होते छुपे हुए हड्डियों में किसी जगह छुपे हुए होते हैं, वो जब वक्त मुनासिब देखें बाहर आके वो हमला कर देते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। तो यही हाल सुजाक का है, जिसके मुतल्लिक अगर एलोपैथी कोई रिसर्च नहीं है इस मामले में, लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया सिफिलिस में जब यह बात साबित हो गई तो होम्योपैथी का दूसरा दावा भी दुरुस्त लगता है कि सुजाक भी नस्लन बाय नस्लन इंसानी जिस्म में एक ऐसा असर छोड़ जाता है कि अगर उसका इलाज ना किया जाए तो दूसरी बीमारियों के इलाज भी सही होते हैं, और उनको जड़ों से उखेड़ के नहीं आप फेंक सकते। उनमें एक दवा जिसकी बहुत तारीफ की जाती है, और ये बाल डॉक्टर तो कहते हैं कि नक्समामिका से बाल लोग इलाज शुरू करते हैं, इलाज मेडोराइनम से शुरू करना चाहिए, चाहे उसके कोई आसार हों या ना हों। अगर कहीं कोई दबी हुई
सुजाक की अलामतें हुई तो मेलानिन की एक दो खुराकें उसको उछाल कर बाहर ले आएंगी और वहाँ उनका इलाज हो। बाज़ दफ़ा पुराने स्ट्रिक्चर्स रह जाते हैं, उसकी वजह से पेशाब की तकलीफें बड़ी हो जाती हैं, वो भी मेलानिन दिया जाए तो हरे हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनका इलाज मुमकिन हो जाता है। तो मेलानिन एक बहुत अहम दवा है, इसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। रब्बा ने जो मेराज किया करता था उस पर काफ़ी मरीजों को देता था मैं और अच्छे फायदे उठाए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो जहन से उतर गई थी। अब आपको पढ़ाते हुए किताब देखी तो मेरे रायन में नजर आई, मैंने कहा हो ये तो बड़ी अहम दवा है, ज़रूर सिखानी चाहिए।